अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। और मैं तो आज बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और मैं जैसे सुबह उठी, तो ये कल के वाकया होगा, तो जैसे सुबह उठी मैंने टिकटॉक, मेरी आदत है मैं सुबह उठ के टिकटॉक और यूट्यूब देखती हूँ, तो जैसे मैंने टिकटॉक ऑन की उसके ऊपर सारी वीडियो यही आ रही टिकटॉक पे, वे बेटी पैदा हुई है और उसने अपनी बेटी को 7 दिन की थी, ठीक है। उसने अपनी बेटी को 6 से 7 गोलियां मेरे ख्याल से मारी हैं, ठीक है। और इतना बड़ा उसका जनाजा हुआ और इतना, मतलब वो बाप बाप तो वो कहने के वो लायक भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कोई अपनी इतनी छोटी बेटी को इतनी सारी गोलियां मार के मार दे। अगर तुझे कोई बड़ी मसला था, आप किसी को दे दो, कोई पाले, इतने सारे लोग हैं जिनके घर पे औलाद नहीं होती, वो तरसते हैं, पागल काफर इंसान वो तरसते हैं। तू कैसा काफर होगा, तू तो इस जन्म में क्या, अगले जन्म में तू कभी माफ़ नहीं किया, अल्लाह के घर पर भी कभी माफ़ नहीं होगा, ठीक है। जिसने अपनी बेटी को, वो भी पहली औलाद, ठीक है। हाँ, कितनी सारे मुझे यहाँ पे कमेंट आते हैं, तो बाजी हम हमारे लिए दुआ करें, हमारी औलाद नहीं होती क्या। ये देखें, ये जो काफर है जिसको खुदा ने, अल्लाह ने पहली औलाद दी है, उसने अपनी बेटी के साथ क्या किया, ठीक है। और वो उसको तो खौफ नहीं आया, इतनी नन्ही सी जान है, आगे से मुझे क्या बोलेगी, आप जो भी उसको कर ले क्या बोलेगी उसको, काफर को, उसके हाथ भी नहीं कांपे यार, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी औलाद है यार। 9 महीने तक मेरी वाइफ ने उसको पेट में रखा, कितनी तकलीफ़ ली है। तो फिर मैंने उसको जब पैदा हुई उसको मैंने मार दिया, 7 दिन की बच्ची को, ये मैं क्या कर रहा हूँ, वो तो बाप कहने के लायक भी नहीं। और मैं यहाँ पे ला दूँगी थंब पे उसकी तस्वीर, वो काफर को आप देखना, उसको अल्लाह की भी लानत है, उसको पूरी दुनिया की भी लानत है, ठीक है। वो पूरी लानत इंसान रहेगा, पूरी ज़िंदगी रहेगा, जिसने अपनी औलाद को नहीं समझा। तो चलें जी, मैं तो ये छोटा सा पैगाम देना चाहती थी। मेरा दिल जो है इतना, यकीन करें मैं इतनी खौफ ज़्यादा हो गई हूँ, क्या ये क्या चल रहा है यार, क्या हो गया लोगों को, कहाँ पे इनकी अकल चली गई यार। ये तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है, पहली औलाद जो बेटी दी है वह नेमत है, एक हमारे लिए बरकत होती है, पहली बेटी जो जिनके घर पे होते हैं वो खुशनसीब होता है इंसान, ठीक है। और पता नहीं क्या कहते हैं लोग, बस बेटे हों बेटे हों, बेटियों ने क्या कर लेना यार, जितना बेटियां दुख अपनी माँ बाप का बिटाती है ना, और कोई भी नहीं देखता। मेरी माँ बीमार है, मुझे पूछें मुझे कितना दुख है। मैं कल भी गई थी अपनी माँ के पास यार, मैं यही कहना चाहती हूँ यार, अपने माँ बाप से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, बेटियाँ जो होती है वो अल्लाह की नेमत होती है यार। मैं इतनी परेशान हूँ, मेरी माँ जो है, हम लोगों ने इतनी दुआ भी कराई है, यकीन नहीं जाने। मैं सुबह, मतलब सारा दिन मैं कल अम्मी के पास ही रही हूँ, मेरी अम्मी अपने हाथ से खाना भी नहीं खा सकती, मैं खुद उसको खाना खिला के आई। फिर मेरी अम्मी, मैंने यहाँ पे चारपाई पेटा लटाया हुआ था, मैंने ना उसको काफ़ी, मतलब काफ़ी हैवी है, अम्मी उठा भी नहीं सकते हम लोग, मैंने उसको उठा के बैठाया, खाना खिलाया, और जहाँ पड़ी हुई है वहाँ ही पड़ी हुई है, इतना नहीं, मतलब हम लोग कर सकते उसको आगे कर ले, इतना उसका वेट बढ़ गया है यार। जो बेटियाँ होती हैं ना, वो बहुत, मतलब उनको खुदा ने इतना दिल हल्का दिया होता है ना, वो अपने बहन भाइयों का, अपने माँ बाप का बहुत ख्याल करती हैं। आप प्लीज़ ऐसा लिहाजा नहीं करें, बेटियाँ तो अल्लाह की नेमत होती हैं, जिनके घर पर पहली औलाद होती है वो भी बेटी, वो खुशकिस्मत होता है। मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने जितनी टिकटॉक देखी यही देखी है, ऐसा नहीं करना चाहिए यार। अगर तुझे नहीं ज़रूरत थी, आप किसी को दे देते, ज़रूरतमंद को देते, वो पाल लेता यार, ऐसा तो ना करो नन्ही सी जान को, ठीक है। और सुबह मैं बहुत बहुत ज़्यादा दुखी हुई हूँ ये वाली वीडियो देख के, प्लीज़ ऐसा नहीं करें आप, ठीक है। आपको नहीं औलाद चाहिए, ऐसा ना करें, मुझे बेटे ही चाहिए, बेटे ही चाहिए। समझो बेटियाँ भी खुदा की नेमत हो, अल्लाह की मर्ज़ी के साथ होती है, इसमें कोई किसी की मर्ज़ी नहीं है। ये अगर आपकी मर्ज़ी है आप खुद बेटा पैदा करते, नहीं ना कर सके, ये अल्लाह की मर्ज़ी है, ठीक है। अल्लाह जो भी देता है वो अपनी मर्ज़ी से देता है यार, उसको कबूल करना चाहिए, शुक्र अदा उसका करना चाहिए, आपको औलाद मिली है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको बेटी दे दी है यार, उसको मार देना चाहिए क्या? बेटियों की कोई ज़िंदगी नहीं होती, बेटियों को कोई इज्जत नहीं देता क्या? सब कुछ है ना यार, अब हमारी बेटियां जब जवान होती हैं हम सबसे छुपाते फिरते हैं यार, नहीं हमारी बेटी को देखे नहीं, कोई ऐसा ना करे, ऐसी नहीं बात, बेटियाँ कोई बुरी चीज़ है यार, बेटियाँ तो वो चीज़ है जिसको हम लोग जो संभाल संभाल के रखें, वो ये हमारा ख़जाना है। मैं इतना ज़्यादा दुखी हुई हूँ ना ये वीडियो देख के, खुदा की कसम मुझसे तो देखी नहीं गई वो, तो मैं तो ये दुआ करती हूँ खुदा बंदा, अगर आप किसी को बेटी देना, उसको
इतना बड़ा मतलब दिल दें वो अपनी बेटी को कबूल कर सके। तो जो ये वाली बेटी के साथ हुआ है ना आज, ये किसी और के साथ ना हो। अगर ये बात है आप किसी को बेटी ना दें, सबको बेटे चाहिए तो बेटे ही दे दें प्लीज़। अगर ऐसा नहीं करें आप, अगर आपको खुदा ने बेटी दी है वो भी पहली औलाद है यार, इतनी कीमती औलाद आपकी है, आपको अल्लाह ने इतने प्यार से नवाजा है यार बेटी से, आपने अपनी बेटी को ही मार दिया, ऐसा तो नहीं ना करना चाहिए। तो बस मैं यही छोटी सी वीडियो थी आज, मैंने सुबह जैसे उठी हूँ तो मैं ये वाली वीडियो देखी यार। हम अपने माँ बाप का इतना ख्याल करते हैं, हम भी बेटी हैं किसी की, क्या बेटियाँ इतनी बुरी होती हैं? नहीं ना होती, आपकी बहनें हैं, आपकी माँ है, वो भी तो किसी की बेटी है, आपको ख्याल करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। बस मेरा यही पैगाम था, मैंने सोचा चलो छोटी सी एक वीडियो बना दूँ बेटियों के लिए, ये खास तौर मेरी बेटियों के लिए वीडियो है, ठीक है, जो बेटियों के साथ ऐसा करते हैं, जो करें आगे से तो लिहाजा ख्याल रखें, ये भी अल्लाह ताला की है, खुदा की नेमत है, जो हम लोग ठुकरा देते हैं इसको समझ ही नहीं सकते, वो आगे से कुछ भी नहीं जाने, आपको बोला तो पापा मुझे नहीं मारो, जब कुछ भी बोल सकती तो वो आपको बोल भी देती, मगर वो इतनी छोटी मासूम थी, आपको बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया, आपके हाथ भी नहीं कांपे। बस यही मैं पैगाम देना चाहती हूँ, बेटियाँ जो होती हैं वो अल्लाह की खुदा की नेमत होती है, बस आप समझे इसको, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। और ये जो इतना बड़ा दुनिया को हिलाने वाला हादसा हुआ है वो मियाँ वाली से है, ठीक है। और जो काफर बाप है ना वो चाहता था मेरा बेटा हो, सही है, पूरे 9 महीने तक इसके यही रट लाई थी, मुझे बेटा चाहिए बेटा। और जब बेटी हुई वो घर से भाग गया, फिर कहते हैं उसके माँ बाप ने उसको पकड़ के लेके आए और 6-7 दिन के बाद लेके आए, जैसे ही आया वो काफर बाप जो है उसने अपनी बेटी को गोलियों से छन्नी कर दिया, फिर भाग गया, अभी तक फरार है, कहते हैं पुलिस भी उसके पीछे लगी हुई है, सब उसको पकड़ने में लगे हुए हैं। और आप भी दुआ करें ऐसा काफर बाप जो है जल्दी से पकड़ा जाए, उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले, ताकि ये एक मिसाल हो जाए दुनिया में, और जिनकी बेटियां होती हैं वो आगे से ये ऐसा कदम ना उठाएं, उसको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए, तो दोबारा वो दुनिया में ऐसा कदम कोई भी बाप अपनी बेटी के साथ ना उठाए। बस ये आपने ये दुआ करनी है, ठीक है, ये काफर बाप के लिए, ये चनवल जो हुआ है ना ऐसा मियाँ वाली में, आपने ये जो इसका बाप भागा हुआ है ना बच्ची का, जो भी इस टाइम हमारे में मौजूद नहीं है इस पाकिस्तान में, वो सो गई है अल्लाह में जाके खुदा में, उसके लिए दुआ करनी है आपने, बच्ची को इंसाफ मिले और उसकी माँ को मिले जो रो रो के यहाँ पे इतनी दलीलें दे रही हैं। और यहाँ पे मैं छोटा सा क्लिप भी लगा दूँगी बच्ची के माँ का, आप लाजमी देखना। और क्या ये काफर इंसान कहने के लायक है यार? नहीं है, ये इंसान ही नहीं है, ऐसा लगता है इसको इसकी माँ ने नहीं पैदा किया हुआ, ऐसे ही ये गिर गया। और ये जो है ना किसी के पेट से पैदा नहीं हुआ, किसी मतलब कहने का मकसद ये है, इसकी माँ भी किसी की यार बेटी थी, इसकी बहनें भी किसी की बेटी थी, तो ये तो काफर ऐसा कर रहा है जैसे मैं आसमान से गिर गया हूँ यार। आपने दुआ करनी ये पकड़ा जाए, इसको सख्त से सख्त सजाओ, मेरी ये दुआ है, सुबह की टाइम है, मैं इसके लिए यही दुआ मांगूंगी, इसको सख्त से सख्त सजा मिले और सबके लिए नसीहत हो, ठीक है, कोई भी अपनी बेटी के साथ ऐसा ना करे, बस यही मैं चाहती हूँ।